कोविड 19 महामारी से लगातार मिल रही राहत के बीच अनलॉक प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया है। शहर में अब वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है, तो वहीं सिनेमा हॉल, मॉल, जिम इत्यादि सभी स्थानों को कोविड 19 वैक्सीनेशन होने की अनुमति के साथ खोल दिया गया है। वहीं वीकेंड कर्फ्यू हटने के बाद व्यापारियों में उत्साह है और व्यापारियों की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद करते हुए लगातार मिल रही राहत पर संतोष जाहिर किया गया है। उन्होंने कहा है कि कर्फ्यू से हटे पाबंदियों के चलते व्यापारी खासे परेशान थे, अब अनलॉक 4 के तहत कई राहत प्रदान की गई है, जिससे सभी को इस महामारी से उबरने का समय मिलेगा। सबसे पहले तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने व्यापारियों की तरफ थोड़ा अपना रुख किया और व्यापारियों को प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने गाइडलाइन, जो नई गाइडलाइन आई है, इससे व्यापारियों के अंदर बहुत अच्छा उत्साह है। और ये एक जो वीकली जो डेट था संडे का, ये जो हटने से व्यापारियों के अंदर काफ़ी खुशी का माहौल है कि भाई एक सरकारी छुट्टी जो होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, वह छुट्टी काम में आएगी और व्यापारियों का थोड़ा व्यापार बढ़ेगा। समय भी बढ़ाया गया। समय पहले 7 बजे था, 4 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 8 हुआ। 8 बजे सफिशेंट है व्यापारी के लिए और व्यापारी इसमें अपना धंधा भी कर पाएगा और अभी उसको कोई जल्दी नहीं रहेगी घर जाने की और व्यापार बढ़ेगा। हमें यही उम्मीद है कि अब ये 2-3 सावे और हैं जो भी है, इसमें अपनी पूर्ति भी करेगा और आगे हमारे जो व्यवसाय के अंदर नुकसान हुआ है वह भरपाई होगा। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि बरसात आने के बाद में भी व्यापार काफ़ी कुछ बढ़ेगा। और सरकारी गाइडलाइन के अनुसार व्यापारियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि वह सब अपना अपना कोरोना से बचाव के लिए जो भी सरकारी ने गाइडलाइन बताई गई है उसका पालन करें और व्यापार की तरफ पूरा ध्यान दें। और सबसे मेन चीज़ है कि अब खुशी का माहौल है बाज़ार में और अच्छा उत्साहपूर्ण व्यापार जो है आगे चलेगा। आपका नाम? किशन गुप्ता, अजमेर शहर, व्यापार महासंघ। जी सर, नई गाइडलाइन सही है, समय भी बढ़ाया गया है, किस तरीके से उत्साह है? अनलॉक प्रतिक्रिया के रूप में हमारी प्रतिक्रिया राज्य सरकार के लिए यही है कि राज्य सरकार का हम शहर व्यापार महासंघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करते हैं, क्योंकि पूर्व में हमने कई बार जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा था, जिसमें हमारी सर्वप्रथम मुख्यमंत्री महोदय ने जो अनलॉक प्रक्रिया के तहत सवेरे 6 से 11 का समय किया, उसके बाद फिर हमने पुनः ज्ञापन दिया, उसको 6 से बढ़ाकर 2 बजे किया, फिर हमने उनको फिर पुनः ज्ञापन दिया था कि संक्रमण कम हो रहा है तो आम व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि व्यापारी पिछले 1.5 साल से त्रस्त है और मजबूर है और उनकी पूरी कमर टूट गई, तो राज्य सरकार ने उसको 7 बजे का किया और जो कल की अनलॉक प्रक्रिया में उन्होंने 8 बजे तक का किया, इसके लिए हम तय दिल से शहर व्यापार महासंघ की ओर से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने व्यापारियों की पीड़ा को समझा और भगवान की असीम कृपा से और राज्य सरकार के अच्छे मैनेजमेंट के चलते कोरोना पर हमने काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम शीघ्र ही 0 डिग्री पे कोरोना को ला देंगे। और हम आम जनता से अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पूर्णतया पालन करें। शहर व्यापार महासंघ के तहत किशन गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लगभग अजमेर के अंदर 10,000 मास्क और इतनी सैनिटाइज की बोतलें आमजन में बांट चुके हैं और जगह जगह हमने पोस्टर भी चस्पा किए हैं जिसमें लिखा है 9 मास्क 9 व्यापार। इसका उद्देश्य हमारा यही है, आम जनता जागरूक हो, केवल सरकार कुछ नहीं कर सकती, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा इस कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए। कमल गंगवाल, प्रवक्ता, शहर अजमेर, व्यापार महासंघ। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV News, सच्चाई की वापसी।